नमस्कार, न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि निगम। ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके में एक परिवार पर पड़ोसियों ने कुल्हाड़ी और फरसे से हमला कर दिया। हमलावरों को शक था कि परिवार उनके खेत में मवेशियों को छोड़ रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। पिपरौली गांव में दीवान सिंह गुर्जर और निहाल सिंह गुर्जर का खेत आमने सामने है। पिछले कुछ दिनों से निहाल सिंह के खेत में बैल घुसकर फसल चौपट कर रहे थे। वहीं दीवान सिंह के खेत में मवेशियों के न जाने पर निहाल सिंह को लगा कि उसके खिलाफ साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। इसी के चलते दीवान और निहाल के बीच मनमुटाव चल रहा था। घटना वाले दिन भी निहाल के खेत में बैल घुस गया, जिसके बाद निहाल सिंह ने बादाम सिंह, सेवा राम गुर्जर, सोने राम बंटी और अन्य साथियों साथ मिलकर दीवान सिंह के घर पर हमला बोल दिया। हमले में दीवान सिंह, उसके भाई मेहताब और बेटे गौरव के सर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भाई खेत पे बाव है, अपने खेत पे। खेत में साल देखोगे, बिगड़े तेरे साल है, मैंने कहा मेरे साल ना आता है। बस जिस चक्कर परसा दिया है, ऐसे दवा से जो पड़ेगा वो गोली। थाना झांसी रोड के अंतर्गत ग्राम पिपरौली में खेत में भैंस या गाय में से चरने के ऊपर से विवाद हुआ। इसमें मेहताब गुर्जर और उनके परिवार के दो तीन लोग जख्मी हुए। उसमें दूसरी पार्टी द्वारा उन्हें कुल्हाड़ी और फरसे उल्टे फरसे से मारपीट की गई, जिसमें अस्पताल में भर्ती, इलाज चल रहा है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।